रविवार को पुरानी रंजिश के चलते एक हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी गई। उसकी हत्या कुछ युवकों ने चाकू से गोद कर की। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए और इलाके में दहशत फैल गई। रात को ही जिला पुलिस अधीक्षक DIG बलवान सिंह राणा भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पटेल नगर में रविवार रात को हुई वारदात जहां हिसार में बढ़ते क्राइम की तरफ इशारा कर रही है, यही आम जनता के डर या वही उदासीनता को दर्शा रही है। वारदात के बाद इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि 4 से 5 युवक एक अन्य युवक को पीट रहे हैं और उस पर चाकू से हमला कर रहे हैं। ये घटना किसी सुनसान जगह की नहीं बल्कि पटेल नगर मेन मार्केट की है और घटना के समय काफी संख्या में लोग मार्केट में मौजूद रहे। लोग लड़के को पीटते और मारते देख रहे हैं मगर कोई हिम्मत करके उसे बचाने का प्रयास नहीं कर रहा। वीडियो को देखें तो पता लगता है कि यदि वहां मौजूद लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो शायद अमित भुटानी उर्फ सिंघड़ी की जान बच जाती। घटना के समय तो लोगों ने अमित भुटानी को बचाने का प्रयास किया लेकिन सोमवार को आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर बाजार बंद कर दिया गया। इस घटना के बाद सवाल उठने लगे कि क्या इस तरह की घटना में लोग खड़े होकर तमाशा ही देखते रहेंगे, क्या वो पीड़ित को बचाने का प्रयास नहीं करेंगे। घटना के बाद DIG बलवान सिंह राणा ने भी इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि लोगों की मौजूदगी में अमित भुटानी की हत्या कर दी गई और उसे किसी ने बचाने का प्रयास भी नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ सोमवार सुबह पटेल नगर के दुकानदारों ने इस घटना के विरोध में बाजार को बंद रखा, आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। जानकारी के अनुसार अमित भुटानी उर्फ सिंघड़ी हिस्ट्री शीटर था और उसके ऊपर 17 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। 32 वर्षीय अमित का कुछ दिन पहले ही पटेल नगर निवासी विजय व दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ था और बताया जा रहा था कि इसी घटना के रंजिश के चलते अमित का कत्ल किया गया है। नाम का एक लड़का जो है यहाँ पटेल नगर का रहने वाला था, उसके साथ 2 लड़कों ने मार पिटाई की कोई घंटा डेढ़ घंटा पहले और चाकू से भी चोटें मारी हैं। उसके साथ एक कुर्सी जो है उसको भी तोड़ करके चोटें मारी हैं और वो लड़का काफी उसका ब्लड जो है वो लॉस हो गया, चोटें भी उसको ज्यादा लगी हुई थी। एडिडाइट अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है तो हम मौका हमने देख लिया और जो तस्मदीद हैं या उन लोगों से भी बात कर ली, CCTV फुटेज भी ले ली है और हमारी टीमें जो है वो हमने निकाल दी हैं। बंदों की कुछ सुराग मिले हैं उनके बारे में और रात को ही उनको अरेस्ट करेंगे। पर मैं बड़े एक अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि भाई साहब जो बता रहे हैं कि पूरी मार्केट यहां खड़ी हुई थी, सैकड़ों आदमी खड़े हुए थे और सड़क बीच सड़क में सरेआम जो है शाम के टाइम पे जो उजाला है उस वक्त जो है एक लड़के के साथ मार पिटाई हो रही है और किसी भले आदमियों ने 2, 4, 5, 10 लोगों ने हिम्मत नहीं करी कि उसको एक आवाज देकर के बचाई लिया जाता। अगर वो हिम्मत करते 10 लोग 20 लोग अगर आगे शोर मचा करके भी उनकी तरफ भागते तो उस बच्चे की जान बच सकती थी। बहुत ही दुखदायी घटना है और पुलिस अपना काम करती है, पुलिस अपना काम करेगी। जिन्होंने जो क्राइम किया है रात को हम उसको राउंड अप कर लेंगे लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी जो है ना वो दिखानी चाहिए इस तरीके से कि जो क्राइम करने के लिए आता है, क्राइम जो करता है, लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता है तो उन लोगों को काबू करने का उनको रोकने का काम करना चाहिए। अभी सर ये 7:30 बजे की घटना हुई है, ये खर्चा मांगा करते खर्चा दो, दुकानदार चलानी है तो इनसे दुकान बंद करो आप, यही बात है। डेली 4 से 5 से 6 के बीच में है जी वारदात करने के टाइम। पहले भी कोई हाँ जी, हफ्ता पहले लड़ाई हुई थी इनके साथ, इन्होंने चक्कू उड़ा के पैसे मांगे थे, उसके हाथ पे लगी थी चोट, फिर इन्होंने उसी लड़के को पीटा था बाजार के अंदर ही। यही घटना है जी। तो सर अब आपके पुलिस प्रशासन से किस प्रकार सर? पुलिस प्रशासन तो ये कह रहे हैं कि 3 गिरफ्तार हो चुके हैं, बस यही बोल रहे हैं। मांग क्या आपकी? मांग कर हमारा तो कुछ आना नहीं है, मांग तो क्या होगी। प्रशासन पूरा अलर्ट है, हमारे DIG साहब, हम SP साहब हमारे मौके के ऊपर आ गए थे, सारा मौका मुआयना करवाया है। ये दोनों अपने अच्छे मृतक थे जो चिकंडी है, अमित और चिकंडी है जो वो अपने अच्छे दोस्त थे और वो जो मारने वाले थे वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और उनको हमने राउंड अप भी कर लिया। आपको बताना चाहेंगे आपके माध्यम से उनको जल्दी से हमने राउंड अप भी कर लिया है और जल्दी ही वो सलाखाओं के अंदर हमने उनको दे दिया है। और ये जो मार्केट का है मैं ये ही है, मैं अनुरोध करना चाहूँगा अगले ऐसा जो ये सिस्टम है कि भाई उनके दोस्त थे, उनका आपस में अपना तनाव था, उनका आपस में झगड़ा था जिसके कारण उनके आपस में लड़ाई झगड़े में उसकी मौत हो, तो इसलिए ये जो बाजार बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। अगर कोई बाजार बंद करा वैसे तो
दुकानें खुली हैं और खोलने दे रहे हैं क्योंकि अभी दुकानें खुलने का समय ही हुआ है, तो अभी खोल रहे हैं, तो ऐसी वो बात नहीं है। फिर मैंने लोगों को समझाया है, वो शरारती तत्व आए थे जो ज़बरदस्ती उनके गुट के लोग आए थे, वो बंद करवा रहे थे, जो मार्केट में मेरे को बताया लोग, जो फिर जो ज़बरदस्ती कोई दुकान बंद करेगा उसे सख्ती से निपटा जाए। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।